तेजो से गुरुद्वारे मिलेगा फतेह, देगा तेजो को एक बहुत ही बड़ा इशारा। वेल दोस्तों, उडारिया में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जहां अब फतेह और जैस्मिन की शादी हो चुकी है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करने वाले हैं। फिलहाल तो जैस्मिन बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो कैनेडा जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी है, क्योंकि फतेह का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सरप्राइज तो आना अभी भी बाकी है। और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, वो सरप्राइज यही है कि फतेह कनाडा जाने से एंड मोमेंट पर इनकार कर देगा और जैस्मिन की प्यार की सच्चाई को जानने के लिए वो जैस्मिन के सामने एक बहुत ही बड़ी डिमांड कर देगा, बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर देगा कि तुम मुझमें और कनाडा में से किसे चुनोगी। तो यहाँ पर जैस्मिन बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, तेजो अपना मन हल्का करने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए गुरुद्वारे जाएगी और वहाँ पर बर्तन भी साफ करती हुई नजर आएगी और तभी वहाँ पर पहुँचेगा फतेह, जो तेजो से बात भी करेगा, अपने दिल की बात करेगा और हो ना हो वो उसे ज़रूर कुछ ऐसा हिंट देगा जिसे समझ जाएगी तेजो कि कहीं ना कहीं फतेह छोड़ने वाला है जैस्मिन का साथ। वेल गाइस, अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखना होगा कि आखिर फतेह तेजो के पास क्यों गया और उसे क्या कहने वाला है, और क्या सच में जैस्मिन को छोड़ने वाला है फतेह या फिर सच में साकार हो जाएगा जैस्मिन का सपना। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आखिर फतेह तेजो के पास क्यों गया। क्या सच में फतेह और तेजो अब हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं? और टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।